हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फायर वाचर के बारे में। हम जानेंगे हाउ टू बिकम अ फायर वाचर, हम एक फायर वाचर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और सेकेंड है ड्यूटीज ऑफ फायर वाचर। एक फायर वाचर का ड्यूटीज़ क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है उसका, जब वो साइट पर रहता है उसे क्या क्या करना पड़ता है, और लास्ट हम जानेंगे सैलरी ऑफ फायर वाचर। एक फायर वाचर को सैलरी कितनी मिलती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इन तीनों टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नेबोस, आईओस या किसी भी फायर एंड सेफ्टी का नोट्स पढ़ने के लिए फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं HSC नोट एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारे चीज़ें फ्री में मिलेंगी। ये एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड करिए। नेबोस, आईओस और जितने भी फायर सेफ्टी के बुक्स हैं आपको सब यहाँ पर मिलेंगे फ्री में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम फायर वाचर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल पास आउट ऑफ होने चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है तो आप फायर वाचर बन सकते हैं, और हाई स्कूल पास के साथ आपके पास 1 ईयर का या 6 मंथ का कोई भी फायर सेफ्टी का कोर्स होना चाहिए, या आप फायर से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं और आपके पास 1 ईयर का या 6 मंथ का फायर सेफ्टी का कोई कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट है आपके पास, या कोई फायर ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ फायर वाचर। फायर वाचर की ड्यूटीज़ क्या है, ये जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि फायर वाचर कहाँ कहाँ पे अपॉइंट होते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे फायर वाचर की जॉब लग सकती है। तो जहाँ भी हॉट वर्क होता है, ऐसा कोई भी काम जिसमें किसी तरह का चिंगारी या कोई भी फ्लैम रिलीज हो, उसे हम हॉट वर्क बोलते हैं। तो अगर कहीं भी हॉट वर्क हो रहा है, जैसे कि ऑयल एंड रिफाइनरी में, गैस कटिंग में, अगर कन्फाइंड स्पेस में कोई कटिंग वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो इन जगहों पे फायर वाचर का अपॉइंट किया जाता है, इन्हें वहाँ पे ड्यूटी में रखा जाता है। तो इनका क्या क्या काम होता है, सबसे पहला काम होता है मॉनिटर द हॉट वर्क, जो भी हॉट वर्क चल रहा है उसे मॉनिटर करना, उसका देख रेख करना कि उसमें किसी भी तरह का आग लगने का चांस ना हो, जो भी हमारा जलने वाली वस्तु है वो दूर हो, यानी जो भी वहाँ पर हजार्ड्स हैं, रिस्क है, उन्हें पहचानना और उन्हें दूर करना, उनका उपाय बताना। तो सबसे पहला काम तो इनका ये होता है। नेक्स्ट ड्यूटी यह है कि अगर कहीं पे इमरजेंसी केस हो गया, जैसे कहीं फायर लग गया, कहीं पे आग लग गया, तो उस केस में अलार्म को बजाना, जो भी वहाँ पे सायरन अलार्म लगा हुआ है उसे बजाना, और सबको अवेयर करना, सबको सचेत करना। आपके साइट पे या आपके इंडस्ट्रीज में जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका डेली इंस्पेक्शन करना रेगुलर बेसिस पे, ये देखना कि जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, अगर किसी तरह का कोई इमरजेंसी केस आ गया तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है। जितने भी फायर फाइटिंग सिस्टम है, जैसे कि फायर हाइड्रेंट हो गया या उनके जितने भी कंपोनेंट हो गए जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उन सबका आपको इंस्पेक्शन करना है, जांच करना है, देखना है कि वो सही ढंग से हैं कि नहीं, वर्क करने के लिए रेडी हैं कि नहीं। जितने भी लीगल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना, जैसे कि जो भी आप फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, अगर कोई फायर में नियर मिस हो रहा है या कोई छोटे मोटे फायर हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको रिकॉर्ड में मेंटेन करना, उन्हें यह जानना कि वो कैसे हुआ है और उसके लिए क्या आगे हमें करना है। और काम से पहले जो भी हमारा हॉट वर्क का काम हो रहा है उसके लिए एक परमिट इशू होता है, हॉट वर्क परमिट, उसे देखना है कि इशू हुआ है कि नहीं, कब तक उसका ड्यूरेशन है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करना होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी कोई आपको फिक्स नहीं बता सकता कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग सैलरी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज में बता देता हूँ, आपका एवरेज सैलरी हो सकता है 12,000 से 15,000 तक, यानी 12,000 से 15,000 तक आपका सैलरी हो सकता है। और काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि इसमें ग्रोथ है कि नहीं फ्यूचर में, तो इसमें भी ग्रोथ है, जैसे जैसे आपका पोजीशन बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका सैलरी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये फायर वाचर एक तरह का समझ लें कि आप फायर असिस्टेंट है, ये आपको केवल फायर से अवेयर करेगा, आपका साइट पर देखेगा, आपका एक स्पेसिफिक साइट मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इसमें ये फायर सुपरवाइजर, फायर ऑफिसर होते हैं, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़िएगा तो ये आपका प्रमोशन होगा और सैलरी भी बढ़ती जाएगी।